मोदी ने की राजस्थान के सीएम से बात, हर मदद का दिया भरोसा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का केजरीवाल सरकार पर आरोप, बोले निगम के साथ सौतेला व्यवहार कर रही दिल्ली सरकार। यूक्रेन का दावा, युद्ध में मारे गए रूस के 17,300 सैनिक, 131 प्लेन समेत 605 टैंक नुकसान हुआ। वॉशिंगटन की बल्लेबाजी से खुश हुए कोच मूडी, आने वाले मैचों में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। यूपी बोर्ड 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक, बलिया DIOS निलंबित, सरकार के निर्देश पर STF ने की जांच शुरू। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ है, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने परीक्षा रद्द करवा दी, जिसको लेकर छात्र दुखी दिखाई दिए। उनका कहना था कि उनकी मेहनत बेकार गई, अब उनको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं गाजियाबाद के कई सेंटर पर छात्र कुछ आक्रोशित दिखाई दिए, जिसके बाद प्रबंधन ने उन्हें समझाया कि बाकी पेपर उनके तय समय पर होंगे और इस पेपर की जानकारी जल्द को दी जाएगी। अब जो पेपर बना होगा ना, उसके अकॉर्डिंग तैयारी हमारी बहुत अच्छी थी, और जो इस बार पेपर होता आई थिंक वो सिंपल होता, बट अब जो होगा उसके अपोजिट होगा, तो इंग्लिश का पेपर टफ होने वाला है। आज मेरा इंग्लिश का पेपर था और पेपर देने आए थे हम यहाँ पर, अब बहुत बुरा लग रहा है, इतनी तैयारी के साथ आए थे और अब कब होगा आगे पेपर, ये टेंशन है, ये कब पता चलेगा। स्कूल पे आने के बाद ही पता चला है कि हमारा पेपर कैंसिल हो गया, हमें तो ये भी नहीं पता था कि लीक हुआ है, और हम बहुत ही तैयारी के साथ आए थे। महसूस हुआ बेटा जब बहुत बुरा सर, आज पेपर इसलिए लीक हो गया, इस वजह से हमारा जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई है, और मैं इस चीज़ को बहुत दुखी है, क्योंकि हमारी तैयारी फुल थी और मैं इस चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा दुखी, अब दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं बहुत दुखी है कि हमारा पेपर कैंसिल हो गया। इस बार का जो पेपर था मुझे लगता था मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आने वाला था, क्योंकि मैं तैयारी बहुत अच्छा आने वाला था। आज हमारा इंग्लिश का पेपर था, हमें पता लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया, कैसा महसूस कर? बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि हम पूरी तैयारी से आए थे, हमें 4-5 दिन मिले थे तैयारी करने के लिए इंग्लिश के पेपर के लिए, तो हम बहुत अच्छे से तैयारी करके आए थे। शायद पेपर लीक हो गया है, इस वजह से शायद पेपर कैंसिल हो गया है, और बाकी हम सबकी बहुत अच्छी से तैयारी थी। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां इंटरमीडिएट की अंग्रेजी के प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि 24 जनपदों में पेपर लीक होने के चलते ये फैसला लिया गया, तो दूसरी तरफ छात्रों में निराशा भी देखने को मिल रही है। पेपर लीक होने से शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। परवेज, आज किस चीज की परीक्षा थी? इंग्लिश की। क्या कहा गया कॉलेज सर? वो पेपर निरस्त हो गया है। क्या बताया गया? नोटिस लगाई गई है? नोटिस भी लगी है और बताया भी गया है सर। बताएं सभी बच्चों को? सभी बच्चों से। कुछ सीरीज का ही निरस्त हुआ है जी आज इंग्लिश। इंग्लिश सर, देखिए इसका कारण ये था, सबसे पहले तो मैं अपना नाम बता देना चाहता हूँ, राघवेंद्र त्रिपाठी, केंद्र व्यवस्थापक कमला नेहरू बालिका विद्यालय। इसका स्पष्ट आदेश जो ऑफिस से प्राप्त हुआ माननीय सचिव के द्वारा, जिला विद्यालय निरीक्षक जी के द्वारा, और जो है माध्यमिक सभापतियों के द्वारा जो मुझे सूचना प्राप्त हुई, उस सूचना के आधार पर कि बलिया जनपद में, जनपद बलिया में आज का पेपर, जिस सीरीज का पेपर जिला प्रतापगढ़ समेत 24 जिलों में वितरित था, उस कोड का पेपर मतलब जो है बाहर जिसका प्रकटन हुआ, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल होने के कारण जो है ये परीक्षा निरस्त की गई, जिसका आदेश मुझे 12:53 पर जिला माननीय श्री जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतापगढ़ के द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप से सूचित हुआ, फ़ोन द्वारा भी मुझे सूचित किया गया ग्रुप के माननीय सदस्यों द्वारा, जिसकी सूचना मैंने लिखित रूप से बोर्ड के आदेश को विद्यालय के सूचना पट पर अंकित किया।
खबर देवरिया से है, जहां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान के घर पर हाई स्कूल की संस्कृत और इंटरमीडिएट की चित्रकला विषय की उत्तर पुस्तिकाएं लिखी जा रही हैं। सूचना पाकर पहुंची टीम ने छापेमारी कर मौके से 17 अभियुक्तों को संस्कृत और चित्रकला की उत्तर पुस्तिका को लिखते हुए पाया। वहीं अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। ग्राम प्रधान के घर पे हाई स्कूल और इंटर की उत्तर पुस्तिकाएं लिखी जा रही हैं। एसडीएम साहब और सीओ साहब मौके पर गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि हाई स्कूल के संस्कृत विषय की और इंटर के चित्रकला विषय की उत्तर पुस्तिकाएं वहाँ लिखी जा रही थी। उत्तर पुस्तिकाएं लिखे जाते हुए लोगों को 9 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये सारी उत्तर पुस्तिकाएँ स्थानीय विंध्याचल इंटर कॉलेज पैना थाना बरहज देवरिया से संबंधित थी और इसके अलावा ए और बी श्रेणी की काफ़ी उत्तर पुस्तिकाएँ तथा तमाम लोगों के प्रवेश पत्र और प्रश्न पत्र आदि बरामद हुए हैं। इस संबंध में थाना बरहज पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। एटा में इंटरमीडिएट की अंग्रेजी के प्रश्न पत्र की परीक्षा रद्द हो गई है। 24 जिलों में इंटरमीडिएट अंग्रेजी प्रश्न पत्र की परीक्षा रद्द हुई, जिसकी वजह से छात्रों में हड़कंप मच गया। तैयारियां करके आए सभी छात्र सरकार को कोसते दिखे। लगातार कई परीक्षाओं के पेपर आउट हो रहे हैं, उनका कहना है। कारण क्या है? बस ये कि निरस्त है, आज किस चीज़ का पेपर है? इंग्लिश का, इंटर का। खबर बस्ती से है, जहां पुलिस ने एक शातिर अपराधी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी के ऊपर बस्ती, गोरखपुर, फैजाबाद, गोंडा में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में आरोपी ने बस्ती एसबीआई के पास खड़ी बाइक से 3 लाख रुपए की चोरी की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उस पर कार्यवाही की है। तो वही घायल बदमाश के पास से ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना कोतवाली जनपद बस्ती में 29 और 30 मार्च की रात में थाना कोतवाली से डिक्कीबाजी में वांछित उमेश भरवार के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई। ये अभियुक्त कई दिन, एक महीने से लगभग यहाँ थाना कोतवाली से वांछित था, जिसके पीछे कोतवाली की पुलिस और स्वाट टीम लगी हुई थी, जिसके संबंध में रात में ये सूचना प्राप्त हुई कि ये अभियुक्त थाना क्षेत्र में देखा गया है। जब पुलिस की टीम ने उसका पीछा किया तो उसने अभियुक्त ने पुलिस की टीम पर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ जब पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई तो अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। इस गोलीबारी में हमारा एक आरक्षी भी घायल हुआ है। दोनों अभियुक्त और आरक्षी दोनों का इलाज सदर अस्पताल में हो रहा है, जहां दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है। इस अभियुक्त के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। इसके पास से एक अवैध तमंचा, एक बाइक और जो उसने डिक्कीबाजी करी थी उसके कुछ रुपये बरामद हुए हैं। ये पूरा सराहनीय कार्य करने वाली स्वाट की टीम और थाना कोतवाली की टीम को आईजी सर के द्वारा भी पुरस्कृत किया जा रहा है। खबर बस्ती से है, जहां कौड़ीकोल गांव में सरसों के खेत में बम और बारूद मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सरसों के खेत में काम कर रही कुछ महिलाओं को संदिग्ध अवस्था में एक बैग मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बैग को कब्जे में लेकर बैग की जांच की तो बैग में कुछ पटाखे थे जिसमें तार लगा हुआ था। वहीं एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि खेत में संदिग्ध बैग में विस्फोटक सामग्री मिलने की सूचना में एसएसपी और सीओ ने मौके पर पहुंचकर जांच की और जांच के दौरान बैग में दिवाली की जली हुई आतिशबाजी और रंगोली के बुरादे बरामद हुए हैं। बता दें कि बैग को कब्जे में ले लिया गया है और जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है। थाना कप्तानगंज के कौड़ीकोल गांव में आज प्रातःकाल जब एक सरसों के खेत में लोग कटाई कर रहे थे तो वहां पर एक बैग में संदिग्ध अवस्था में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई, जिसके संबंध में जैसे ही सूचना दी गई तो थाना कप्तानगंज की पुलिस और एडिशनल एसपी और सीओ मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा इस संदिग्ध विस्फोटक सामग्री की जांच की गई। प्रथम दृष्टया देखने से उसमें दिवाली की जली हुई आतिशबाजी और एक रंगोली
का बुरादा वहाँ मिला है, लेकिन इसके संबंध में आगे की जानकारी करने के लिए सिक्योरिटी टीम भी बुलाई जा रही है, जिनके द्वारा इसकी जानकारी की जाएगी। मौके से संदिग्ध विस्फोटक सामग्री को हटा दिया गया है, मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और हमारी उच्चाधिकारी और हमारी पुलिस वहाँ मौके पर मौजूद है। कानपुर में सिरफिरे आशिक की प्रेमिका के घर पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। प्रेमी प्रेमिका को गंभीर हालत में उड़सला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया से हुई थी। मूक बधिर प्रेमी प्रेमिका चैटिंग और सांकेतिक भाषा में बात करते थे। ये मामला नौबस्ता थाना क्षेत्र के हंसपुरम इलाके का है। पता नहीं कैसे इंस्टाग्राम से जुड़ गई और किसी लड़के से कांटेक्ट हो गया इसका, और वो भी नहीं सुन पाता ना बोल पाता है, और उसने अपनी सच्चाई छुपा रखी कि वो शादीशुदा एक बच्चा है उसके पास। वो बैला फुसला के उसको एक बार ले भी गया था राजस्थान, तो हम लोग को जानकारी थी उसको ले के आए, मेरा भाई ले के आया है। अब उसके कुछ ही महीनों बाद वो फिर यहाँ पर आ गया और उसको धमकी देने लगा कि अब मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुमको पेट्रोल डाल के जला दूंगा। और सुबह अचानक 7:30 बजे जब घर पे कोई नहीं था आ गया और अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया, आग लगा दी और मेरी बहन को भी पीछे से पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सिंचाई विभाग पहुंचे, जहां उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देश पर 100 दिन में क्या करना है उसका खाका भी तैयार किया और अधूरे परियोजना को पूरा करने का निर्देश भी दिया और कहा मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार काम किया जाएगा। क्या कुछ कहा है और आप ही देखिए। ये जिम्मेदारी मिली हम सबको, मैं आदरणीय योगी जी सभी वरिष्ठ नेताओं को पदाधिकारियों को मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो 100 दिन का लक्ष्य है आज हम सब अधिकारीगण बैठे हैं इस विभाग के, इस लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे, लक्ष्य क्या होगा, कार्य योजना क्या होगी, उस पर हम सब चर्चा करेंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कैसे करेंगे, एक गाँव गरीब किसान को इसका लाभ कैसे मिलेगा, उसको स्वच्छ पानी मिले, उसको उसके खेत को स्वच्छ पानी मिले और प्रत्येक किसान को लाभ हो, इसीलिए हम सब आप बैठने वाले हैं। आज बैठकर कार्य योजना बनाएंगे, उस योजना को जमीन पर उतारेंगे और इस लक्ष्य को हम सब प्राप्त करेंगे, इसीलिए आज हम सबकी मीटिंग। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर बाग में रखवाली कर रहे बागवान की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक युवक के चेहरे, गर्दन और सिर पर चोट के निशान मिले हैं। दरअसल युवक बाग की रखवाली करने के लिए गया था। युवक के सुबह घर पर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। परिजनों को शव बाग में लहू लुहान पड़ा मिला और अपर पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ये ग्राम रामनगर है, तो यहाँ ये प्रदीप नाम के युवक करीब 30-32 साल इनकी उम्र है। यहाँ पर इनकी करौंदे की बाग है और ये अपने बाग में आया जाया करते थे। इसी में इनका शव प्राप्त हुआ है बाग के अंदर, जो अभी प्राइमा फेसी पूछताछ हमने करी है इनके परिवार के लोगों से, तो ये किसी से भी अपनी रंजिश नहीं बता रहे हैं और इनके भाई से बात हुई है, इनके परिवार के लोगों से बात हुई है और अभी तक तो अज्ञात ही है कि किसने कैसे घटना हुई है। जो शरीर है उस पर अपियरेंटली देखने से चोट के निशान है गर्दन और सर पे, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्लियर होगा कि इनकी मृत्यु का कारण क्या है। यूपी के बीजेपी योगी सरकार 2.0 में मंत्री बनाए गए नरेंद्र कश्यप गाजियाबाद पहुंचे। मंत्री बनने के बाद यूपी गेट से उनका स्वागत यात्रा निकाली जा रही है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ भी वहां पे मौजूद रही, उनके स्वागत में काफी भीड़ उमड़ी। गाजियाबाद के यूपी गेट से स्वागत यात्रा शुरू होकर पुराने बस अड्डे रास्ते होकर उनके घर सेक्टर 23 गाजियाबाद में खत्म हुई और हर जगह उनके स्वागत में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। वहीं यूपी गेट पहुंचे नव निर्वाचित उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का आभार, उन्होंने मेरे ऊपर इतना भरोसा जताया।
मुख्यमंत्री जी का मैं आभार जताता हूँ कि उन्होंने मुझे मंत्री बना के मुझ पर विश्वास जताया। और मुख्यमंत्री जी को मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भरोसा उन्होंने मुझे जताया है, उस भरोसे पे मैं खरा उतरूंगा। अपने विभागों के कामों को समय पर तरीके से रोड मैप बना के पूरा करूंगा। और उत्तर प्रदेश की जनता ने जो अपेक्षाएं हमारी सरकार से की हैं, हम प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं को पूरा उतरेंगे। पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने काम को करेंगे। उत्तर प्रदेश आने वाले 5 वर्ष में उत्तम प्रदेश सबको बनता हुआ नजर आएगा। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।